हरियाणा में बाढ़ के प्रकोप को देखने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण में औसत से अधिक बारिश की वजह से कुरुक्षेत्र के ग्रामीण इलाके में और अंबाला शहर के इलाके में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि यमुनानगर, कैथल, पंचकुला तक के इलाकों में बारिश की वजह से लोग प्रभावित हुए हैं। राहत की बात यह है कि अब पानी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रभावित हुए लोगों की हर संभव मदद करेगी। अधिकारियों को इस बाबत सख्त निर्देश जारी कर दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ चंडीगढ़ से सहयोगी राजकुमार जुड़े हैं। जी राजकुमार, इन दिनों देखा जा रहा है कि उत्तर भारत, अगर बात करें राजधानी दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब की बात करें, तो इन दिनों बारिश का काफी आलम है। वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज हवाई सर्वेक्षण किया है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। हाँ, मैं आपको बता दूं, जिस तरह की हवाई जहाज से मुख्यमंत्री हरियाणा जो है सभी जो दौरे कर रहे हैं, जो भी शहर है, जो भी गांव है, वहां पे जा जाकर देख रहे हैं, और सभी हरियाणा के जो उपायुक्त हैं, डीसी हैं, उनको सभी को आदेश दे दिए हैं और अधिकारियों से भी बात मीटिंग जारी है। कहीं ना कहीं आपको बता दूं, मतलब कि जो उनका कहना है कि जो बारिश हुई इस बार कुछ ज्यादा ही बारिश हुई, जिसकी वजह से हरियाणा के कुछ जिलों में नुकसान भी हुआ है लोगों का। जी, और जो इस बारिश की वजह से जो मौतें हुई, जिनकी मौत हुई, उनके परिवारों के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ राहत सामग्री दी जाएंगी? हाँ, अभी तक जो जानकारी मिली है, जो इस बारिश से 10 के करीब लोगों की मौत हुई है, जिसके अंदर जिनकी मौत हुई है उनको 4 लाख रुपए, एक पर व्यक्ति को 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। और जिनके घर तबाह हुए उनके लिए क्या कुछ आश्वासन मिला है सरकार की तरफ से? हाँ, सरकार द्वारा मतलब कि ये सभी उपायुक्त जो है, मतलब कि जिले के जो डीसी है, उनको हिदायत दी गई है कि भी जिनका भी जो भी नुकसान हुआ है उनका सारा डिटेल लेके सारी डिटेल जो मुख्य कार्यालय है वहाँ पे जमा कराई जाए, जिनका मतलब कि नुकसान जितना है उसकी सरकार द्वारा भरपाई की जाए। जी राजकुमार, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।